एक तो जो हमारे जवान सीमा पर तैनात हैं, अपने परिवारों से दूर देश की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों से मिला जाए। दूसरा जो चाइना से जो तनाव बढ़ा है, जो चाइना नापाक हरकतें कर रहा है और जिस तरह उसकी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया दुखी है, आज हमारे वीर सैनिक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के और 50वीं वाहिनी के जवानों के साथ और 18वीं महारेजिमेंट के वीर जवानों के साथ मन में इच्छा थी मेरी मिलने की, मैं कि वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं तो इस पार्लियामेंट का सांसद के नाते भी मेरा दायित्व बनता है कि उनसे जाकर सीमा पर जाकर मिलूं। तो बड़ी इच्छा थी मन में और आज इच्छा पूरी हुई। आज जवानों के साथ जिस तरह मिलने का मौका मिला, वीर जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ और जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ हमारे ITBP के जवान, हमारे महार रेजिमेंट के वीर जवान जिस तरह सीमा पर डटे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि देश की रक्षा करने के जो मन में एक उत्साह वातावरण बना रहता है, वो वातावरण मुझे देखने को मिला, इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई। और मैं वीर जवानों को नमन करता हूँ, उनके परिवारों को नमन करता हूँ कि अपने परिवारों से इतने दूर, इतने इस दुर्गम क्षेत्र में वो सीमाओं पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहे हैं। हम तो अपने घरों में चैन के साथ सोए पड़े हैं, लेकिन वो सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको नमन करना, उनको प्रणाम करता हूँ। और आज सैनिकों ने आग्रह किया है कि कम से कम परिवारों से बात करने के लिए टावर की व्यवस्था, यानी टेलीफोन हमारे चलते रहें, टेलीफोन का ना चलना, इन्होंने इस बारे में आग्रह किया है। और मैं जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो हमारे चाइना के नज़दीक जो बॉर्डर है वहाँ टावरों लगाए जाएँ, क्योंकि चाइना की जो फ्रिक्वेंसी है वो तो हमें डिस्टर्ब करती है, लेकिन हमारे जो मोबाइल टेलीफोन है वो नहीं चलते हैं। तो इसलिए मैं ये पहला काम जाकर करूँगा। और ये रोड भी ठीक हो, ये नेशनल हाईवे के रूप में पक्की रोड बने, ताकि हमारे जवान सीधे चाइना बॉर्डर पर जब भी ज़रूरत पड़े पूरे काफिले के साथ, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ चाइना बॉर्डर पर पहुँचे और चाइना से जो उसकी नापाक हरकतें हैं उनसे लोहा मोल लें, जैसा कि हमारे जवानों ने दिखा दिया। जो पीछे चाइना के साथ झड़प हुई थी, हमारे जवान, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, यानी शहीद हुए हैं, ये सब थे उनकी। तो ऐसे हमारे जवान हैं, उन जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और यहाँ इस सीमा पर तैनात सभी जवानों को, उनके परिवारों को पुनः प्रणाम करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ।